हेलो नमस्कार दोस्तों, करियर क्लियरेंसेस में सभी का स्वागत है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे नया नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से चल के आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर क्लियरेंसेस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और लाइक करें और वीडियो शेयर करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लिख रखा है कॉल लेटर 1/2016 के लिए, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दिखा देगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया है सभी के पोस्ट के अनुसार, ड्राफ्ट्समैन हो गया, OEM हो गया, DVRR और कॉल लेटर ऑफ OBC वेल्डर का दिखा रखा है। यहाँ पे सभी का दिखा रखा है जिन जिन का मैंने यहाँ पे आप नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया था। और यहाँ पे दिखा रखी है कॉल लेटर ऑफ कुक के लिए, कुक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपडेट है, यानी कोलेटर कुक ऑफ जनरल UR यानी SC ST और OBC की लिस्ट है। मैं आपको इसमें SC ST और UR की नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया उससे पहले ही, ठीक है। और हमारी डिस्क्रिप्शन इसके लिंक अपडेट मिल जाएगा यूट्यूब का। और OBC की मैं आपको इसमें पूरी फीड फाइल दिखा देता हूँ, इसमें डाउनलोड करके कोलेटर फॉर कुक OBC फेस फर्स्ट, OBC फेस सेकेंड की PDF फाइल डाउनलोड हो गई है। फेस फर्स्ट की कुक ट्रेड कुक से है, कैटेगरी OBC की है। इसमें कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 77.00, यानी इसमें भी अभाव दिखा रखी है। रिपोर्टिंग डेट दिखा रखी है 2 जनवरी 2019। एग्जाम सेंटर होगा ग्रिफ सेंटर टिग्गी कैंप पुणे, ठीक है। यानी जिनका जिनकी कट ऑफ के अनुसार परसेंटेज है मैट्रिक में, उन्हीं का रोल नंबर इश्यू हुआ है। और मैं आपको इसमें पूरी PDF फाइल दिखा देता हूँ, इसमें टोटल 8 पेज दिखा रखे हैं, ठीक है। और इन पे स्टूडेंट के सीरियल नंबर और रोल नंबर दिखा रखे हैं, नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ दिखा रखे हैं, आप अपना चेक कर सकते हैं यदि आपकी परसेंटेज के अनुसार है तो। इसमें सभी की PDF फाइल दिखा देता हूँ, इसमें ये फेस सेकंड फर्स्ट की लिस्ट दिखा रखी है कुक OBC से, इसमें टोटल 8 पेज दिखा रखे हैं। सेकेंड नंबर पेज हो गया और यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा रखा है ना, कंट्रोल नंबर, नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी कट ऑफ के अनुसार है उन्हीं का इशू हुआ है। और हमारे डिस्कशन में इसके PDF फाइल का लिंक अपडेट कर हो जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिस्कशन बॉक्स में भी जाके PDF फाइल डाउनलोड करके। इसमें दिखा देता हूँ टोटल स्टूडेंट कितने दिखा रखे हैं फर्स्ट फेज में, मैं आपको इसमें पूरी 4 फेज दिखा दूंगा इसी वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। OBC की फर्स्ट फेज सेकंड फर्स्ट फेज लिस्ट दिखा रखी है, इसमें स्टूडेंट की पेज नंबर 5 हो गया, ये सीरियल नंबर कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम दिखा रखा है, आप अपना चेक कर सकते हैं सर्च करके भी, ठीक है। और हमारे डिस्कशन में इसके PDF फाइल का लिंक अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। OBC कुक की फर्स्ट फेज की लिस्ट दिखा रखी है ये, जिनकी कट ऑफ के अनुसार है उन्हीं का रोल नंबर अपडेट हुआ है। पेज नंबर 7 हो गया, पेज नंबर 8 है, ये लास्ट पेज दिखा रखा है। लास्ट पेज में क्या दिखा रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें टोटल स्टूडेंट इसमें 517 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और आपका कोलेटर बाय पोस्ट आ जाएगा यदि आपके पास बाय दिवे ने भी पूछें तो, आप ग्रिफ सेंटर से संपर्क करके रिपोर्टिंग डेट से पहले आप अपना एडमिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। आपको इसमें सेकंड लिस्ट दिखा देता हूँ, यारो गिरफ की ट्रेड कुक से कैटेगरी OBC की सेकंड लिस्ट है, यानी फेस सेकंड की, ठीक है। इसमें कट ऑफ सेम वही रही है 77%। रिपोर्टिंग डेट है इसकी 14 जनवरी 2019। एग्जाम सेंटर होगा ग्रिफ सेंटर डिग्री कैंप पुणे, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर कंट्रोल नंबर और नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है, जिनकी कट ऑफ के अनुसार है परसेंटेज उन्हीं का रोल नंबर इशू हुआ है, आप अपना चेक कर सकते हैं। और हमारे डिस्कस में इसके PDF फाइल का लिंक अपडेट मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें पूरी PDF फाइल दिखा देता हूँ, बाय द वे PDF फाइल नहीं डाउनलोड हो पाई तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपना रोल नंबर देख सकते हैं और नाम देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चेक कर सकते हैं। फादर नेम भी मिल जाएगा इसमें, अपना फादर नेम और सीरियल नंबर कंट्रोल नंबर चारों इश्यू कर रखे हैं डिपार्टमेंट ने। कट ऑफ के अनुसार लिस्ट दिखा रखी है, आपकी सेकंड लिस्ट चल रही है OBC कुक फेस सेकंड की लिस्ट, इसमें पेज नंबर 3 पे हैं, पेज नंबर 4 पे दिखा रखा है। इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं मैं वो दिखा देता हूँ, इसमें
और उसमें कितने क्या रही है वो दिखा देता हूँ, स्टूडेंट में क्या दिखा रखा है लास्ट पेज में। 5 नंबर पेज हो गया, 6 नंबर पेज पे चल रहे हैं, जिनकी मैट्रिक में 77% मार्क्स हैं उन्हीं के रोल नंबर इशू हुए हैं। 5 नंबर पेज हो गया, 6 नंबर पेज चल रहा है, सीरियल नंबर 333 दिखा रखा है, कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है, सीरियल नंबर के अनुसार अपना चेक कर सकते हैं। और हमारे डिस्कस में इसकी पीडीएफ फाइल लिंक डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं आप, अपना नाम फादर नेम रोल नंबर। और आपका एडमिट कार्ड नया आए तो आप डिपार्टमेंट डिग्री सेंटर पुणे में संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। पेज नंबर 7 हो गया, ये सीरियल नंबर 470 दिखा रखा है 8 नंबर पेज पे, नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो दिखा दूंगा। इसमें लास्ट पेज में टोटल स्टूडेंट 517 हैं। डिटेल कोलेटर इश्यूड इज इन द पोस्ट, आपके बाय पोस्ट कोलेटर आ जाएगा, बाय द वे नहीं भी आए तो फिर आप अपना कोलेटर रिस्यू करवा सकते हैं ग्रीफ सेंटर रिपोर्टिंग डेट से पहले। ठीक है, अब फेस नंबर 3 पे चलते हैं। ओबीसी की बीआरओ ग्रीफ की फेस 3 की लिस्ट डाउनलोड हो गई है ट्रेड कुक से, कैटेगरी ओबीसी है, कट ऑफ रही है 77.00, रिपोर्टिंग डेट है 21 जनवरी 2019 में, एग्जाम सेंटर ग्रीफ सेंटर डिग्री कैंप पुणे होगा। इसमें सीरियल नंबर कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है, आप अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें पूरी पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ, इसमें किनका जिनका क्वालिफाई जिनका कट ऑफ के अनुसार है उन्हीं का नाम लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे डिस्कस में इसके पीडीएफ फाइल लिंक अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इन चारों की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, फेज 3 का पीडीएफ फाइल है, फेज फर्स्ट पेज हो गया इसका, सेकंड पेज चल रहा है, सीरियल नंबर 62 पे, कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आपको इसमें पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड दिखा देता हूँ, इसमें टोटल 9 पेज दिखा रखे हैं। यदि आपका है तो आप अपना चेक कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसमें सर्च करके अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं, सीरियल नंबर के अनुसार दिखा रखा है स्पीच स्टूडेंट का जिनकी 77% से अभाव है, बीआरओ ग्रुप ने कट ऑफ पे अपडेट किया है, ये कुक की लिस्ट दिखा रखी है, फेज 3 की है, सीरियल नंबर दिखा रखा है इनका इस साइड में, और कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है। जिनके कट ऑफ के अनुसार है उनकी पीडीएफ फाइल में नाम मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोलेटर बाय दी बाय पोस्ट से नहीं पहुँचे तो आप ग्रीफ सेंटर से संपर्क करके वहाँ से अपना एडमिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। इसमें टोटल पेज 9 पेज दिखा रखे हैं, आपको टोटल पेज दिखा देता हूँ। आपका नाम दिखा रखा है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है, आपके सीरियल नंबर है और कंट्रोल नंबर के अनुसार, कंट्रोल नंबर ही आपका रोल नंबर होगा। आपको इसमें पूरी पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ, इसमें टोटल 9 पेज दिखा रखे हैं। सीरियल नंबर के अनुसार दिखा रखा है, पेज नंबर चल रहा है, आपको पेज नंबर दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे पेज नंबर 7 हो गया। ठीक है, पेज नंबर 8 पे है, 446 सीरियल नंबर के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें टोटल स्टूडेंट कितने रहे हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आठ नंबर पेज भी हो गया, ये 9 नंबर पेज भी दिखा रखा है, 508 सीरियल नंबर से, कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे दिखा रखा है टोटल 5 स्टूडेंट हैं, 517। ठीक है, और डिटेल कोलेटर इश्यूड इज इन द पोस्ट, यानी बाय पोस्ट से आपका कोलेटर आ जाएगा, यदि बाय दी नहीं पहुँचे तो आपका ग्रीफ सेंटर से संपर्क करके रिपोर्टिंग टाइम से पहले अपना एडमिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। अब ट्रेड कुक की फेस 4 पे चलते हैं, यानी 4 नंबर लिस्ट पे चलते हैं। ग्रीफ की फेस 4 यानी ट्रेड कुक कैटेगरी ओबीसी की लिस्ट डाउनलोड हो गई है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें कट ऑफ के अनुसार 77% रही है, रिपोर्टिंग डेट है इनकी 28 जनवरी 2019, एग्जाम सेंटर ग्रीफ सेंटर डिग्री कैंप पुणे होगा। ठीक है, इनका सीरियल नंबर कंट्रोल नंबर नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है, आप अपना चेक कर सकते हैं। और हमारे डिस्कशन बॉक्स में जाके वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपना नाम फादर नेम के अनुसार सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं, सीरियल नंबर के अनुसार कंट्रोल नंबर फादर नेम डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी आपको, अब वहाँ से सर्च कर सकते हैं। यदि आपकी मैट्रिक में यानी 10वीं में 77% मार्क्स हैं तो उन्हीं का कोलेटर इशू हुआ है। ठीक है, और आपके फिजिकल टाइम से पहले आपके पास बाई पोस्ट से एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, आपके
एड्रेस पे पहुंच जाएगा। यदि बाय द वे नहीं भी पहुंचे अपना एडमिट कार्ड, तो आप डीके कैम पुणे सेंटर ग्रिफ सेंटर में संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम से पहले। पेज नंबर 3 हो गया, सीरियल नंबर के अनुसार दिखा रखा है। पेज नंबर 4 पे दिखा रखा है 179, ठीक है। आपका सीरियल नंबर, कंट्रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अपना भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरी पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ। इसमें टोटल 9 पेज दिखा रखे हैं, ठीक है। और हमारी वीडियो में कहीं पर रॉन्ग हो, मिस हो गया तो आप सॉरी, ठीक है दोस्तों। आपको पूरे सीरियल नंबर के अनुसार दिखा देता हूँ। इसमें सीरियल नंबर भी दिखा रखा है आपका, और कंट्रोल नंबर, नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ है आपकी। ये सब के स्टूडेंट भी दिखा रखे हैं, सीपीएल के भी दिखा रखे हैं इसमें स्टूडेंट, ठीक है। सीरियल नंबर के अनुसार दिखा रखा है। पेज नंबर 6 हो गया ये, पेज नंबर 7 पे हैं। सीरियल नंबर 370 पे चल रहा है। कंट्रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे इस पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। आपको इसमें पूरी पीडीएफ फाइल दिखा देता हूँ। इसमें लास्ट पेज तक चलेंगे। पेज नंबर 8 हो गया ये, और पेज नंबर 9 पे दिखा रखा है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 516 हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है डिटेल, कोलेटर इश्यूड इज इन द पोस्ट, यानी बाय पोस्ट आपके पास घर पे कोलेटर आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे नहीं भी पहुँचे तो अपना ग्रिफ सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप वहाँ पे संपर्क होकर अपना कोलेटर इश्यू करवा सकते हैं बाय पोस्ट। और सीरियल नंबर 324-325 ट्रांसफर फ्रॉम एससी कैटेगरी में दिखा रखा है उनका। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।